दोस्तों जो स्क्रीन पे ब्रांच दिख रही है ये होती है ट्रिपल पर्पज ब्रांच, ट्रिपल पर्पज ब्रांच जिसको बोलते हैं त्रि उद्देश्य ब्रांच। मतलब कि त्रि उद्देश्य बोले तो मतलब कि यह ब्रांच भी क्या है, हैंड कंट्रोल ब्रांच है, हैंड कंट्रोल ब्रांच है, ठीक है। और इसके जो ये मेल कपलिंग हो गई, मेल कपलिंग हो गई दोस्तों इसकी, ये इसका यहां पे डिफ्यूजर होता है और ये भी इसके ऊपर जो डिफ्यूजर वाशर लगा होता है, ठीक है। और ये इसका क्या रहता है, स्लीव रहता है, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको बंद चालू कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, ये हैंड कंट्रोल ब्रांच है, यह है ब्रांच डिफ्यूजर ब्रांच, कौन सी ब्रांच दोस्तों, डिफ्यूजर ब्रांच जैसी ही होती है, डिफ्यूजर ब्रांच जैसी होती है। इसकी लंबाई डिफ्यूजर ब्रांच से थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब कि जो लंबाई होती है दोस्तों वो डिफ्यूजर ब्रांच होती है, उस डिफ्यूजर ब्रांच से क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। ये त्रि उद्देश्य है, मतलब कि त्रि उद्देश्य बोलते यह है, यह है मतलब कि दोस्तों ये जो ब्रांच होती है यह है स्प्रे जेट और इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए इसको त्रिउद्देश्य शाखा कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं, इसको जो हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसका जेट के माध्यम से हम जेट भी ले सकते हैं और स्प्रे भी ले सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, इसलिए इसको त्रिउद्देश्य शाखा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह ब्रांच होती है ना, इसका जो डिफ्यूजर रहता है दोस्तों, इसमें जो वाशर लगा होता है, ये वाशर का क्या कार्य रहता है, जो पानी है उस पानी को टुकड़ों में फेंकने का काम करता है। वाशर का कार्य क्या है इसमें, टुकड़ों में पानी को फेंकता है, ठीक है, और जिसके कारण हम इलेक्ट्रिकल फायर पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये टुकड़ों में क्या करता है, छोड़ छोड़ के पानी फेंकने का काम करता है, जिसका जो डायरेक्शन टूटता है, पानी का जो टूटता है, और उसके बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं उस इलेक्ट्रिकल फायर पे भी हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि वाशर का कार्य टुकड़ों में पानी को फेंकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फायर पे भी इस ब्रांच का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फायर पे भी क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये होती है आपकी ट्रिपल पर्पज ब्रांच, इस ब्रांच हैंड कंट्रोल ब्रांच है, ये डिफ्यूजर ब्रांच जैसी ही होती है, बल्कि इसकी जो डिफ्यूजर ब्रांच होती है उससे थोड़ी लंबाई ज्यादा होती है। इसमें इसको त्रिउद्देश्य जो शाखा या ब्रांच इसलिए कहते हैं कि इसमें जेट स्प्रे भी होता है और जेट भी होता है, स्प्रे भी होता है, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और इसमें जो वाशर लगा होता है, इस वाशर का क्या कार्य है, जो पानी को क्या करता है, टुकड़ों में फेंकता है, और जिसके कारण क्या करते हैं, इस जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच का हम इलेक्ट्रिकल फायर पे भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं मेरे दोस्त।